अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे गवार की फली और खीमा। पाव किलो गवार की फली धोकर काट लिया है हमने, इसको थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा खीमा लिया है हमने गला हुआ, ये भी हम उसी में डालेंगे। एक बारीक कटी प्याज, दो टमाटर बारीक कटे हुए, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच अदरक लहसुन। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं गवार की फली खीमा। फली हमारी अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसको बघार देंगे। भुना हमारा गर्म अच्छे से हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल अच्छे गर्म हो गया है, प्याज को अच्छे से भून लें। प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन एक चम्मच। मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, कटे हुए टमाटे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और टमाटर को अच्छे से गला लें। तो अब हम अच्छे से गलने देंगे, इसके बाद हम खीमा डालेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर का पानी जल्दी से सूख जाए। पहले ही गला लिया था, खीमा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम गवार की फली डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डालकर थोड़ी देर के लिए गलाएंगे गवार की फली को। खीमा और गवार की फली मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने देंगे। एक ग्लास पानी डाला है हमने, इसको हलाकर ढक देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और फली हमारी बन के रेडी है, तो हम चेक करेंगे। फली हमारी अच्छे से गल चुकी है, इसको हम चेक करेंगे। फली हमारी फली गवार की फली खीमा बहुत ही टेस्टी बन के हमारा रेडी है। तो आप भी तैयार कीजिए और खाइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।